तुमने मल्टीवर्स का दरवाजा खोल दिया है। उसमें से कौन और क्या निकल के आएगा कोई नहीं जानता। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिल्म लड़की में। गाइस, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। गाइस, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में 6 तारीख को रिलीज हुई थी, तो आज है इस मूवी का 8वां दिन। तो चलिए बिना किसी देर की मैं आपको इस मूवी की पूरी जानकारी दे देती हूँ। गाइस, इस मूवी में बैंडे को एलिजाबेथ नजर आया, तो वही इस मूवी को डायरेक्ट किया है सैम रेमी ने, तो प्रोड्यूस किया है मार्वल स्टूडियोज ने। गाइस, इस मूवी को इंडिया में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, बट अब इस मूवी की स्क्रीन कम हो गई है और इस मूवी को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेज में रिलीज किया गया था। गाइस, इस मूवी के ऑल इंडिया थिएट्रिकल राइट्स बिके थे 60 करोड़ रुपए में और इस मूवी को हिट होने के लिए 75 करोड़ कमाने थे, बट इस मूवी ने कहीं ज्यादा कमाई करके इंडिया में ब्लॉकबस्टर का टेक ले लिया है। तो चलिए बिना किसी देर के मैं आपको इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता देती हूँ। इस मूवी ने इंडिया में अपने पहले वीक में इंडियन नेट कलेक्शन कर लिया है 102 करोड़ रुपए का, तो वहीं इंडियन ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 130 करोड़ रुपए का। और गाइस, अगर बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 600 मिलियन डॉलर्स कमा लिए हैं। और गाइस, वहीं अगर बात करें इंडिया में आज यानी कि इसके 8वें दिन के कलेक्शन की, तो गाइस आज ऑक्यूपेंसी कुछ इस तरह से है, ये मूवी आज लगभग 3 करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती है। तो अगर ये मूवी आज 3 करोड़ कमाने में कामयाब होती है, तो इस मूवी का 8 दिन का इंडियन नेट कलेक्शन हो रहा है 105 करोड़ रुपए, तो इंडियन ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 134 करोड़ रुपए। तो गाइस, ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप लोगों ने ये पिक्चर देख ली है तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।